अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो कल काफी इनिशिएशन हो गया, काफी भक्तों का सो वेरी वॉज वेरी हैप्पी। खास करके हमारे प्रजनाथ दास तो वेरी हैप्पी, तो आर सीकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द डिवोटीज जिसका इनिशिएशन हुआ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैष्णव क्वालिटीज के ऊपर। तो आज का क्वालिटी है ई स्थिरा। स्थिरा मीन्स स्टेडी, स्टेडी इन डिवोशनल लाइफ। कैसे भक्ति में लाइफ लॉन्ग कैसे स्टेडी हो जाए, नो इट्स वेरी चैलेंजिंग। सालों के साल सूर्य से धारा है ना, रेजर सेज है भक्ति, मतलब कभी भी स्लिप हो सकता है कभी भी, तो कैसे स्टेडी हो जाए। तो उपदेशामृत में तो श्लोक है, हमने तो सुना है, ब्रजनाथ दास ने काफी डिस्कशन भी किया है उनके ऊपर। तो उत्साह निश्चय धैर्य ये सब होना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, क्या है क्या है वो चीज जो भक्ति में हमको स्टेडी रखे। तो पहले ही फर्स्ट है हरिनाम। एक्चुअली जो हरिनाम के ऊपर शेल्टर लिया है ना, एकदम हार्ड कोर शेल्टर, फोकसली चैंटिंग किया है, पहला प्रायोरिटी दिया है, एक हम्बल एटीट्यूड है, ह्यूमिलिटी के साथ, जो ऐसा इस तरह का जो हरि नाम के ऊपर डिपेंडेंसी किया है, और कभी कभार क्राइंग आउट ऐसा भी हो गया, दिल से कुछ रास्ता नहीं है, होली नेम के ऊपर डिपेंडेंट है, उस तरह का जो हरि नाम के ऊपर उतना किया है, तो उनका जो लाइफ है बहुत स्टेडी जाता है। ऐसा हम सुना भी है, आनंद धाम प्रभु जी काफी लेक्चर्स में इसके ऊपर दिया है। तो हम कितनी बार हम जपा में, कितनी बार मैं ये सोच रहा हूँ, कितना अटेंटिव बहुत है ना, ट्राई कर रहे हैं हम लोग, कितनी बार हम एक माला दो माला, वी शुड ट्राई कि कितना अटेंटिव हो सके जप करते टाइम, दैट विल रियली हेल्प। प्रभुपाद ने बोला है इफ यू डोंट चैंट अटेंटिवली 16 राउंड्स यू कैन बी विक्टिम ऑफ माया एनी टाइम। बहुत भारी स्टेटमेंट है। और 16 राउंड्स यू डोंट चैंट 16 अटेंटिवली। तो मैं सोच रहा था अभी उसमें से एक दो राउंड तो करे अच्छा से अटेंटिवली। 16 तो 16 का हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले हफ्ते
महाराज का व्यास पूजा था, सुनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी का, तो मैं दिल्ली गया था, तो महाराज के समाधि में गया था, बस इंटेंसली प्रेइंग टू महाराज कि कभी आएगा नाम में रुचि। एंड उसी वक्त में बस आई मेट रमाई पंडित प्रभु, आई गॉट हैड अ गुड फॉर्चून टू मीट। वो 20 एक्चुअली मेरा जो था बहुत ही कम टाइम था, तो आई वांटेड टू मीट प्रभु। एंड वो 20-25 मिनट में जब मिला था प्रभु जी से, ऐसा लगा कि मैं गॉडफुल कृष्णा कॉन्शियसनेस कंप्लीटली। प्रभु जी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु जी का जो लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स हुआ है, एंड उन्होंने इतना सेवा किया है, प्लस हरिनाम में जो शेल्टर लिया है, दैट वाज समथिंग। अभी मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ या सबके सामने बोल नहीं सकता हूँ, जिस तरह का सिचुएशन में उन्होंने हरी नाम के ऊपर, आई वाज लाइक मतलब इट्स वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रभु के साथ। एंड ये सब जो क्वालिटीज मैंने देखा है, जो भी ने बोला था ना, फोकस्ड है, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दिया है, कितने संघर्ष के टाइम में भी प्रभु ने, इसलिए प्रभु जी अभी कर पा रहे हैं इतना कंटिन्यूअसली हरी नाम, नो पेन नो गेन। आनंद प्रभु बोलते हैं ना कि सब कुछ एक टाइम होगा कि यू नो कृष्णा सब कुछ ले लेंगे, हम पूछेंगे ये चाहिए हरी नाम चाहिए तो मैं सब कुछ ले लूंगा। तो उसे प्रभु जी का भी लाइफ ऐसे ही था, एक टाइम पे सब कुछ ऐसा ले लिया, एंड देन जी को हरी नाम का टेस्ट दे दिया। तो रमाई पंडित प्रभु, थैंक यू सो मच, यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड एंड यू आर ए पावर हाउस। रोजी वोंट लाइक ऑल दिस, अभी मेरे को उसके बाद शायद चैस्टाइज करेंगे जूम के बाद, यू आर स्पीकिंग ऑल दिस, बट ऑलवेज लव टू ग्लोरीफाई वैष्णवस एंड सीक ब्लेसिंग्स। और या सो मैं ये बोल रहा था कि हरी नाम जिस प्रायोरिटी लगा, तो उनका जो लाइफ है, उनका डिवोशनल लाइफ है जो स्टेडी जाता है लाइफ लॉन्ग का, तो ये देखा भी है काफी, जिसने भी हरी नाम के ऊपर शेल्टर लिया है उनका, उनको एक स्पेशल मर्सी होता है। तो वी शुड बी वेरी फर्स्ट पॉइंट वो है हरी नाम के ऊपर, टेकिंग शेल्टर ऑफ होली नेम। और दूसरा पॉइंट है, सबके जीवन में एक डिजास्टर होगा, एक टाइम पीरियड होगा, अपना संचित कर्मा है, प्रारब्ध कर्मा है, एक टाइम फेस में आएगा डिजास्टर। तो इंग्लिश में कहावत है, डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी लर्न न्यू थिंग्स, ऐसा बोलता है। कोई भी होगा आपके लाइफ में आएगा, यू नो ऐसे फेस आएगा कि कुछ नहीं है, यू नो इट्स कंप्लीटली डार्क, नथिंग इज वर्किंग आउट, कितना भी करे कुछ भी करे कुछ का उसका सोल्यूशन ही नहीं मिलता, ये फेस आएगा सबके डिवोशनल लाइफ में। तो उस टाइम अगर हम कंप्लीटली, उस टाइम एसोसिएशन भी जरूरत है, अच्छा एसोसिएशन, एंड देन हम उस पीरियड को सरवाइव कर पाएंगे, देन हमारा कृष्णा कॉन्शियस बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, स्टेडी हो जाता है उसमें। आई मीन ये सब आप सुना ही है, मैं जस्ट ट्राइंग टू सब स्टडी के ऊपर था, तो पॉइंट्स में जस्ट ये कर रहा हूँ। नहीं तो कैसा है ना कि विदाउट रियलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट, आपको इतना स्ट्रांग नहीं बनाए, तो इस पीरियड में आपको जो है ऐसा सोचना चाहिए कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअली मुश्किल तो है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं। मतलब वो कर्मा का प्रभाव इतना रहता है ना कि वो 98 ओनली 2% मिल रहा है अपने को, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें ये व्यक्ति से या ये सिचुएशन से ऐसा क्यों मिल रहा है, 2% जो है हमारा कर्मा, और ये बोलना, एंड उस टाइम ये सोचना चाहिए कि भगवान इससे भी ज्यादा है, मेरे पाना चाहिए था बट बहुत कम आ रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस। नहीं तो उस टाइम में ऐसा बोलता, अरे
इतना सब किया, इतना सब माला किया, 192 राउंड्स किया, इतना किया, मेरे साथ ही ऐसा हो गया. एंड देन समटाइम्स यू टेंड टू मूव अवे, यू नो. ऐसा भी देखा है मूवमेंट में, डिजास्टर के टाइम, कैलामिटी के समय वक्त अगर स्ट्रांग नहीं होगा, ये एसोसिएशन नहीं, वो चला जाता है. तो वी हैव टू सी कि उसमें भी एक डिवाइन इंटरवेंशन है, भगवान का एक प्लान है. वी हैव टू सी, तो उसके लिए वी हैव टू हैव एसोसिएशन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. फिर है पेशेंस, उत्साह, निश्चय, धैर्य, उसमें आता है पेशेंस. नो, इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है ये. भक्ति मतलब इट्स नॉट, आजकल कैसा इंस्टेंट चाहिए ना, इंस्टेंट सब इंस्टेंट चाहिए, रील्स भी इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट का रील्स आजकल स्पीड में देखते हैं ना हम लोग, शॉर्ट उसमें लिखा भी आता है 1.5 स्पीड में देख सकते हैं आप. तो मैं भी आजकल जब देखता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, 1.5 स्पीड में देखता हूँ, यू नो. मैं सोच रहा हूँ, बाप रे, मेरे में भी आ गया कि मैं स्लोली सुन नहीं पाता हूँ सर. कंटेमिनेशन हो गया. तो वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट, आज किया तो नेक्स्ट ईयर मेरे को चाहिए रिजल्ट, यू नो. वी जस्ट ट्राई टू, नहीं, लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग इसको लेके जाना है. सो स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए. हाँ ठीक है, मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उतना प्रोग्रेस नहीं हूँ, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करना चाहिए. यू नीड टू हैव दैट पेशेंस. लंबे रेस का घोड़ा ऐसा बोलते हैं, सॉरी हिंदी. एंड फिर दूसरी तीसरा चीज है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. हमारे ऊपर भी एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, और दूसरे 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 डिवोटीज हमारे पर एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं ना समटाइम्स. हमारा एक्सपेक्ट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है. हम कोई भक्त को कंपेयर भी कर सकते हैं, यू नो, अरे वो 16 राउंड्स 4:30 के पहले ही खत्म कर देते हैं, ऐसा ना, मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ. मैं 64, मेरा मंथली 64 नहीं होता, आई एम यूजलेस, यू नो. मैं कुछ काम का नहीं. समटाइम्स देर आर हेल्थ इश्यूज, यू लर्न टू अंडरस्टैंड दैट कि हाँ, मेरे में ये प्रॉब्लम है. ठीक है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ये मेरा है गोल है, मैं स्लोली प्रोग्रेस करूंगा. तो हम कंपेयर करना चालू करते हैं कभी कभी, तो दैट इज डिमोरलाइजिंग हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है. तो उस तरह भी डिवोटीज देखे हैं कि यू नो, फिर स्टडी नहीं हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. तो ये ध्यान देना चाहिए. फिर अगला एक पॉइंट है जो हमारे मूवमेंट में भी देखा है, इट्स वेरी, आई थिंक मॉर्निंग चपा टॉक में, आई एम सॉरी, मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, इसमें डीलिंग विथ ऑपोजिट सेक्स. तो ये चीज के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. एक बार देवामृत महाराज ब्रह्मचारी थे, तो उनके साथ एक, हम ब्रह्मचारी थे हाँ, तो वो प्रीचिंग करके आए थे. तो उस टाइम उनका देखा, देवामृत स्वामी का जो साथ में थे ब्रह्मचारी, उनका जो क्लोथ से कपड़े थे ना, वो किसी ने धोके डाले थे, टेरेस में सुखाए थे. तो फिर देवामृत महाराज को पूछा, अरे किसने मेरा कपड़ा सुखाया है ना, धोके सुखाया है. तो देवामृत स्वामी महाराज बोले, नहीं, नहीं, अभी आप उसके ऊपर चिंता मत करो, किसने सुखाया रहेगा, कौन धोया रहेगा, यू डोंट गो एंड सुखाया, आप कपड़ा लेके आ जाओ. तो निफ्रो जी बोले, नहीं, मेरे को देखना है. देन वो जाते हैं, तो एक माता जी एक्चुअली उनका कपड़ा धो के ऊपर, यू नो, सुखा देते हैं. तो देन फिर वो उनके पास जाते हैं, उनको पूछते हैं, एंड देन ही, यू नो, ब्रह्मचारी से गृहस्थ बन जाते हैं. तो पॉइंट देवामृत महाराज बोल रहे थे कि, यू नो, अगर वो पूछते नहीं थे इस चीज को, कौन धोया है, किसने सुखाया है, तो ही कुड हैव बिकम, यू नो, माया इज वेरी सटल समटाइम्स. ऐसा नहीं कि गृहस्थ हो गया गलत बात, लेकिन एक पॉइंट बोल रहा है. सो अननेसेसरी वी हैव टू मिनिमाइज, जितना बात करना चाहिए उतना ही होना चाहिए. अननेसेसरी ऐसा भी होता है ना, माया इज वेरी सटल,
ऐसा वक्त को देखा है, ऐसा लाइफ में देखा है कि अगर किसी का घर पे हस्बैंड भक्त नहीं है और या वाइफ भक्त नहीं है, तो क्या होता है कि एक माया ऐसा क्रिएट करता है कि आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है घर पे, समटाइम्स। तो फिर जब हम डिवोटीज को मिलते हैं, तो ऑपोजिट सेक्स में मिलता है, बात करते हैं, तो उनको लगता है अच्छा ये प्रभु कितना अच्छा होता है, लाइक दैट। तो माया ट्रिक करते हैं उधर, इमोशनल घर पे इमोशनल नहीं मिलता है तो देन बाहर किधर किसी के साथ इमोशनली वी गेट अटैच्ड। तो ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है भक्त के जीवन में, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद ऑपोजिट सेक्स एंड इस तरह का रिलेशनशिप्स देखा है। एंड देन उसमें दोनों का लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंड देन वो कृष्ण भावनामृत में चले भी जाते हैं, ऐसा भी देखे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द डीलिंग्स। ये देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें भक्त के जीवन में हो जाता है। सो माया इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी सटल वे में एक्ट करता है। उस टाइम हम भी सोचेंगे अरे मेरा माइंड ही था क्या, मैं ही था वो, मैं ही व्यक्ति था। तो यू नेवर नो, यू कैन नॉट ट्रस्ट योर माइंड। उस टाइम ऐसा चीट कर लेते हैं हम। तो सॉरी मैं टॉपिक टच कर रहा हूँ बिकॉज दिस हैज हैपेंड, दिस इज हैपनिंग हमारी मूवमेंट में। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इस तरह का डीलिंग्स करने का टाइम। जो चाहिए उसे बात करना है, वी शुड नॉट गेट इमोशनली वेरी मच अटैच टू ऑपोजिट सेक्स बिकॉज इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू स्पिरिचुअल लाइफ। तो फिर ठीक है, इसके ऊपर है। और ये भी देखा है कि अगला जो है धाम में जाते हैं, समटाइम्स एक तरह का सहजिया लोगों के साथ मिलना, अदर लिटरेचर्स पढ़ना प्रभुपाद के अलावा। तो उसमें भी ये भी देखा है कि काफी भक्त है गो टू बोले कि प्रभुपाद ने इतना नहीं दिया है, वी वांट एडवांस्ड बाबा जी इनिशिएशन। समटाइम्स यू सी दैट हैपनिंग, हम देखते हैं। तो दूसरा लिटरेचर्स जब पढ़ा जाता है, जब प्रभुपाद का, वी आर सो स्ट्रॉन्ग एंड मेच्योर्ड। हम ऐसा कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे तो वी विल गेट बीविल्ड। श्रील प्रभुपाद खुद बोले कि मेरे गुरु महाराज का भी आप पढ़ो मत, ऐसा बोले हैं इस सब पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यू वोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स सम टॉपिक्स। तो वी शुड बी वेरी पक्का कि हम श्रील प्रभुपाद के पढ़े, प्रभुपाद के बुक्स पढ़े, एंड उसके बाद अगर बहुत मेच्योर्ड हो गया देन वी कैन रेफर, ऐसा गलत बात नहीं है, वी कैन रेफर अदर लिटरेचर्स। तो ये देखा है कि फिर कितने कितने डिवोटीज थे कि उन्होंने ऐसा किया है, देन वृंदावन में जाके देन दे जस्ट गॉट कैरिड अवे। और ऐसे सुनते भी आजकल ना, वीडियोस यूट्यूब में है काफी, दे आर ऑल डेफिनेट ग्रेट सोल्स, लेकिन हमारे अंदर इतना ये है ना तो हम उसमें खींचे जाएंगे। तो उसमें से भी काफी अपना डिवोशनल लाइफ इफेक्ट हो सकता है, स्टेडीनेस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है इंडिपेंडेंट नेचर, आई थिंक मैं डिस्कस्ड इट। ऐसा होता है थोड़ा टाइम भक्ति में कि हाँ सीनियर्स नहीं चाहिए, वी ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, डिसीशंस भी इंडिपेंडेंट लेंगे, वी डोंट वांट टू टेक द शेल्टर। तो ऐसा है, देखो अब ऐसा सोचेंगे अभी सर ये सब मेरे साथ, हम सोचेंगे ये सब मेरे साथ नहीं होता है, ये सब मेरे साथ नहीं होगा, अभी सब अभी सोचते भी रहेंगे। मैं भी ऐसा सोचता था जब मैं सुनता था ये सब मेरे साथ नहीं होने वाला है, मैं हमेशा शेल्टर, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब आपका जो वीकनेस है उसके ऊपर एक कौन सा भी तरह से आपके ऊपर अटैक हो सकता है, इट्स नॉट लाइक आपने ऑपोजिट से, आपके पास ऐसा नहीं होगा मैं ऑपोजिट सेक्स के बाद अट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं ऐसा बहुत स्टैंडर्ड हूँ। ये ऐसा भी देखा है कि वो स्टैंडर्ड कीप अप किया है लोगों ने, फिर भी इस माइंड ऐसा डाइवर्ट कर दिया है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, इवन दो हम लोग वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट। तो इंडिपेंडेंट नेचर के बारे में बोल रहा था। तो कभी कभार इतना अच्छा भक्त है वो, स्टार्टिंग में भी हम देखेंगे सबको ये प्रणाम करेंगे, ये करेंगे, नया भक्त है, थोड़ा देर के बाद हमको लगेंगे कि अरे
बाकी सब अच्छे भक्त हैं, मतलब सबका हम दुर्गुण देखेंगे या मतलब शॉर्टकमिंग्स देखेंगे, एंड देन ऐसा लगेगा मैं ही कुछ अच्छा भक्त हूँ, है ना, मेरे में अच्छे क्वालिटीज है बाकी में. सो ऑल दिस टेंडेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट नेचर उनका, सो लेट टू बी केयरफुल. हमेशा हमेशा सीनियर्स का शेल्टर, महाराज का शेल्टर में रहना. मैं तो ये भी देखा है कि मैं जानता भी हूँ काफी भक्त ऐसे भक्त भक्त थे बहुत, कि वो एक इंडिपेंडेंट नेचर की वजह से वो अपने ही खुद का ही एक मूवमेंट जैसे चालू हो गया. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, भले ही इतना नॉलेजफुल थे, सब कुछ थे उनके पास, ऑल द क्वालिटीज, बट दिस बिकॉज ऑफ दिस नेचर वो परंपरा से चले गए. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. फिर जो है गॉसिप्स, रूमर्स, अगर किसी के बारे में कुछ पता चला, डोंट ट्राई टू से कि सबको जाके बोले ऐसा है, रूमर्स. फिर पॉलिटिकल मेंटालिटी, ये सबसे खतरनाक है, ये भी आ जाता है. मुझे शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका बहुत डीपली भी वी कैन डिस्कस. पॉलिटिकली माइंडेड होना नहीं चाहिए, वी शुड बी, अरे इसको मैं ये दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज अपने डिवोशनल स्टडी स्टेडीनेस को बहुत डिस्टर्ब करेगी. कोस वैष्णव अपराध हो जाता है, सबसे डेंजर, सबको सब पता है, ये डिस्कशन हम लोगों की है. तो वी आर वेरी केयरफुल डिवोशनल. तो ऑलवेज ट्राई टू बी ए स्टूडेंट, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि एक टीचर होना ठीक है, लेकिन हमेशा एक स्टूडेंट का मेंटेलिटी जो है ना, हमको सीखना है. दिस मेंटेलिटी हमेशा रहेगा तो वो स्टेडीनेस आ जाएगा. जैसे हमको लगता है कि हमें सब कुछ पता है, एंड देन एक्चुअली प्राइड कम्स एंड ऑल दोस, हमेशा स्टूडेंट का मेंटेलिटी रहेगा तो बहुत अच्छा है. एक बार राधेश्याम प्रभु जी थे, वो वाड़ा में चले गए थे 2 साल का कुछ प्रोग्राम, और वो जो बैठे थे, वो जो उनको ट्रेन किया, वो टीचर्स बने, एंड देन ही वाज लिसनिंग, उनके क्लास में बैठ के एक स्टूडेंट की तरह. तो मैं देख रहा था कि राधेश्याम प्रभु किस तरह का मेंटेलिटी है, कि बी ऑलवेज स्टूडेंट्स, हमेशा कोई नया भक्त भी हो, हम उससे सीखना चाहिए. वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. एक न्यू भक्त है, उनका एंथुजियाज्म अपना, हम जो थोड़ा होता था, हमारा एंथुजियाज्म कम हो जाता है, तो नया भक्त को देख के हम ये भी सीख सकते हैं कितना एंथुजियास्टिक है. सो वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन, हम सबसे सीख सकते हैं. तो टाइम हो गया, तो ओके. तो फिर तो सब इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस में वी कैन, हम ऐसे भी ज़ोंबी की तरह भी जी सकते हैं विदाउट एनी रियलाइज. ज़ोंबी मतलब ऐसा है ना, ऐसा चलता रहता है, रियलाइजेशन नहीं रहता है उसको, पूरा लाइफ निकाल दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस में. लेकिन जो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़ोंबी मतलब आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, वैष्णव वैष्णव अपराध हो जाएगा. लेकिन ऐसा घूमते रहेगा हर जगह, तो लोगों के साथ मिलते रहेंगे, रियलाइजेशन नहीं रहेगा, मतलब कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, लेकिन उसमें उसमें रस नहीं मिलेगा हमको. हमको रस चाहिए ना. कभी कभी अपने को फिर क्या होगा कि अरे इतना साल है, अभी कैसे जाएंगे छोड़ के, अभी तो बहुत सब एक बर्डन जैसा लगेगा अपने को. डीटी वर्शिप एक बर्डन लगेगा, ये सब एक बर्डन, लेकिन कैसा है, अभी लोगों का स्टैंप लगा है इतना साल, तो छोड़ के भी नहीं जा सकते मतलब ये जो सिचुएशन है ना, वो बहुत डेंजरस है. जब तो इसलिए वी नीड दैट रसा स्पिरिचुअल लाइफ, वो अंदर से जो ब्लिसफुलनेस दैट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज उस स्टेट में हमने नहीं जाना चाहिए. इसलिए ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टडी लाइफ. और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैलकुलेशन के सबके ऊपर है, मर्सी, कॉजलेस मर्सी है ना, जो गुरु वैष्णव का आपने सिंसियरली सेवा किया रहेगा, सिंसियरली जपा किया होगा, सिंसियरली कोई भक्त का दिल जीत लिया रहेगा, तभी उस भक्त क्या या गुरु के अपने पूरा इंस्ट्रक्शन 100% फॉलो करने का कोशिश किया रहेगा. तो ये सब कैलकुलेशन चला जाता है, वो एक मर्सी आ जाता है. कभी कभार ऐसा देखता है कि ये मेरे लाइफ में भी देखा है कि मैं ऐसा ऐसा जा रहा हूँ, फिसल के जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई भी ऐसा एक फोर्स खड़े वापिस लेके आता है ट्रैक में,
मैं सोच रहा ये क्या है, मतलब मेरे में एक शक्ति नहीं है वापिस आने का, तो किसी डिवोटी का प्रेयर्स है, किसी किसी का कॉन्सियस एक मर्सी है जो हमें वापस ट्रैक मिले। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्त के लाइफ में, स्टेडीनेस के लिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं हम लोग, जो सिंसेरिटी से करेंगे ना, सेवा करेंगे तो सिंसेरिटी से करेंगे, तो एक शायद एक डिवोटी का दिल के अंदर से जो प्रेयर्स जाता है ना, कि ये प्रभु ने मेरा इतना हेल्प किया, ये माता जी ने मेरा, ऑल दिस थिंग, वो प्रेयर जो है ना, वो प्रेयर एक्चुअली हमें बचाएंगे भक्त लाइफ में। एंड दैट इज एक्चुअली मैंने देखा है, कभी कभी इतना डिफिकल्ट सिचुएशन था मेरे लाइफ में, मतलब इट्स वो टर्बुलेंट सिचुएशन, तो मैं सोच रहा था कि शायद मैं किसी भक्त का सेवा किया हुआ अच्छी तरह, उनका प्रेयर्स ने मुझे बचाया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर जाता है, सब पता भी नहीं चलता उसको कैसा मुझसे। प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे ना, मतलब ऐसा ऐसा उन्होंने चला गया, ऐसा मतलब हम सोचेंगे भी नहीं कि वापस आएंगे, कभी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि उतना मेटीरियलिस्टिक हो गए। लेकिन जो उन्होंने प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद का जो दिल जीत लिया है ना उस टाइम, क्या सेवा किया है, तो उनको वापस इतना सब मटेरियल, कोई आ भी नहीं सकता है इतना मटेरियल। एक बार चला जाए जो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ में, इट्स इम्पॉसिबल, कभी कभार आना मुश्किल है रिटर्न, क्योंकि इतना वो कंडीशनिंग खींच लेता है ना, तो आदमी को आ ही नहीं पाएगा, तो वापस कैसे आ गए। तो ऐसे भक्त है प्रभुपाद के डिसाइपल जो वृंदावन में आके शरीर छोड़े, काफी डिसाइपल्स। आई वॉज थिंकिंग कि ये क्या है, ये दिस इज समथिंग बियॉन्ड आवर कैलकुलेशन, जो मर्सी है ना, कॉजलेस मर्सी, इसको अपने, ये दैट इज अवर ट्रम्प कार्ड एक्चुअली, ये अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एंड दिस विल रियली हेल्प, ये अपने को बहुत मदद करेगा हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं हम सिंसियरिटी से करना है, सिंसियरिटी। प्रभुपाद ने बोला है ना, क्या है प्रभुपाद, व्हाट विल, क्या जो चीज है जो हमें इसमें आगे बढ़ सकता है, तो प्रभुपाद ने एक चीज सिंसियरिटी, सिंसियरिटी एटीट्यूड ऑफ ए डिवोटी, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये सब बोलने के लिए सब बड़ी बड़ी बातें मेरे लाइफ में, तो इसका एबीसीडी भी नहीं है, तो आई जस्ट प्रे टू ऑल डिवोटीज आज कि मैं भी कुछ इसमें का पालन करूं, मैं भी इसमें से सब अंदर से गुजर चुका, सब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में गन्ने के जूस की तरह मैं अंदर से पिस गया हूँ कभी कभार। एंड वैष्णव लाइक कान्हा वृंदावन प्रभु इज देयर, जो एंड गुरु महाराज डिवोटीज, और अच्छा हाँ, और एक चीज मैं भूल गया, और अच्छा फ्रेंड्स होना जरूरी है ना, ऐसे स्टेज में कभी कभार ऐसा होता है ना, सीनियर से आप डिस्कस नहीं कर सकते, बोलेंगे अरे तू कौन है, इधर आ गया, तो ऐसा काम करके आ गया, समटाइम्स भी फील आ रहा है, ऐसा जज करेंगे हमको, तो हमको एक फियर हो जाता है कैसा बोलूं प्रभु जी को। और कभी कभी जूनियर से बात नहीं कर सकते हम, जूनियर बोलेंगे प्रभु जी आप भी ऐसे हो क्या। मेरा तो गड़बड़ है, आप में भी ऐसा गड़बड़ है, तो समटाइम्स वी कांट डिस्कस दिस टू सीनियर्स ऑल्सो, तो हमें एक फ्रेंड्स भी चाहिए कृष्ण भावनामृत में। तो मैंने भी देखा है काफी ऐसा सिचुएशंस में मैं डिस्कस कर पाऊंगा, कर पाता हूँ, मतलब तो कुछ भी ऐसा बोल सकता हूँ ओपनली ना, तो वी नीड अ फ्रेंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट एन ऑपोजिट सेक्स, सेम सेक्स, आई वांट टू मेक इट क्लियर। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज तो 192 राउंड्स के ऊपर रियलाइजेशन भी है, तो मैं समय ज्यादा लेना चाहता, मैं कल बोला था प्रभु जी को, प्रभु जी शायद मैं आज ने इतना टाइम चला जाएगा, लेक्चर प्लस ये भी है, तो प्रभु जी ने तो मना कर दिया, नहीं वी शुड हैव बोथ। तो ठीक है, तो जस्ट प्रे फॉर ईच एंड एवरी डिवोटी के, मैं जो बोलता हूँ आई प्रैक्टिस ऑल्सो, कभी कभी शर्म आ जाता है कि क्या बोल रहा है, क्लास के बाद ऐसा लगता है गिल्ट फीलिंग होता है फिर मेरे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ, तो आई जस्ट प्रे कि मैं कुछ पालन कर रहा, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, ताकि शर्म के मारे मैं भी कुछ जो है कुछ
समटाइम्स है ना, वो मोटिवेशन ऐसा होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन बोलता हूँ ना मैं गिर गया हूँ लेकिन दूसरों को तो बचा ले, जो भक्त है वो ना गिर पाए, जो मैंने अंडरगो किया, जो मैंने जो मिस्टेक्स किया है, तो अदर डिवोटी शुड नॉट फेस. थैंक यू सो मच वंचा कल्पतरु कृपा सिंधु पतिता नाम पावनी भी वैष्णवे भी अनंत कोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्ण.